सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द नेक्स्ट चैप्टर इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री से चलता है, ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर है। ये ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली बात आपको याद होनी चाहिए वो ये कि व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है उसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री या फिर ज्योमेट्री सरफेसेस एंड सरफेस एरियाज में हमने देखा है कि व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। ये देखिए, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो कोई बात नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है अगर ये एंगल 90 डिग्री हो तो। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया था आपको 90 डिग्री के आगे जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये जो है इसको बेस बोलेंगे और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। एक्चुअली इन दोनों में से किसी एक को बेस और किसी एक को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं हम। ओके, अब इस फॉर एग्जाम्पल यहां पे कंसिडर करो, मान लो कि ऐसा कोई एक ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल ओ ए बी। यहां पे ये है आपका राइट एंगल, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, समझ ही गए होंगे। अब आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या। अगर इस एंगल को हम एंगल थीटा बोलते हैं, थीटा, इट इज कॉल्ड एज थीटा, राइट। तो इस एंगल से रिलेटेड कुछ चीजों की डेफिनेशन देखनी है हमको। साइन थीटा, देखिए ये थीटा है, थीटा के पास वाला ये बेस और ये है परपेंडिकुलर। थीटा के पास वाले को आप बेस बोलो कभी भी, और थीटा से जो दूर है उसे आप परपेंडिकुलर बोलो, और 90 डिग्री के आगे जो है वो हाइपोटेनियस है, कभी भी याद रखो। इसको कभी कभी एडजेसेंट साइड भी बोला जाता है, और इसको कभी कभी हाइट भी बोलते हैं और कभी कभी अपोजिट साइड भी बोलते हैं। अगर आपका थीटा यहां पे होता तो ये होती आपकी अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर, और ये होता आपका बेस। सो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इनकी पोजीशन चेंज होती है, लेकिन हाइपोटेनियस इज ऑलवेज अपोजिट टू 90 डिग्री, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे इस ट्रायंगल में साइन थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जैसे कि यहां पे परपेंडिकुलर कौन है, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ओ बी, करेक्ट। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ओ ए अपॉन ओ बी हाइपोटेनियस। उसके बाद है टैन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ओ ए। उसके बाद है, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। अब कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, वैसे ही सेक थीटा है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, और क्वाट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो मेन आपको ये तीन याद रखने हैं। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है आपको। सबसे पहले तो याद रखना है कि साइन, उसके बाद कॉस, और उसके बाद होता है टैन। तो साइन का मतलब क्या है, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको याद ऐसे रखो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर बोलो। यह है साइन, ये कॉस और ये टैन, बात खत्म। ट्रिक से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस।
उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री की ये तीन आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, किसी भी एंगल के लिए ये होल्ड करती है। दूसरी है वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, और तीसरी है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको बहुत ही इजीली प्रूव भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस ट्रायंगल में इस पहली आइडेंटिटी को प्रूव करके दिखाता हूँ। तो अगर इस ट्रायंगल को देखोगे आप ओ ए बी को, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, बेस स्क्वायर देखिए, बेस को बी लिखो, परपेंडिकुलर को पी लिखो, हाइपोटेन्यूस को एच, तो सिंपल कर सकते हैं काम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे क्या कहती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो अब अगर आप दोनों साइड को हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, बी, तो आएगा आपका बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो बी बाय एच, ठीक से देख लो ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस पी अपॉन एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब बी बाई एच, बी बाई एच का मतलब होता है कॉस, तो ये क्या हुआ, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब कॉस थीटा का ये भी बात भी याद रखो, कॉस थीटा के स्क्वायर को आसानी से लिखा जा सकता है ऐसे, मतलब ये लिखने का ट्रेंड है, कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखते हैं। वैसे ही साइन थीटा होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते, नो नॉट लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग, लेकिन ये और ये सेम है। तो इसको मैं कॉस थीटा होल स्क्वायर लिखने की जगह क्या लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, राइट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी बाई एच, पी बाई एच इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करना है तो इसी तरीके से कर सकते हो, बस आप क्या करो, नीचे एच से डिवाइड करने की जगह आप सिंपली देखिए इसके नीचे बस अलग होगा और कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ही कर सकते हैं। सिंपली डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, हमको क्या चाहिए, टैन, टैन चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P के नीचे B आने के लिए सभी को बी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर ये वन हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा, P बाय बी होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, H बाय बी होल स्क्वायर। तो वन प्लस P बाय बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है टैन स्क्वायर, टैन थीटा होल स्क्वायर को हम टैन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच बाई बी, ठीक से देखो, बी बाई एच, बी बाई एच कॉस थीटा है, तो एच बाई बी इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब कॉस का उल्टा कौन है, सेक, तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर आप इसको पी से डिवाइड करते हो, पी स्क्वायर से, तो आपकी ये थर्ड आइडेंटिटी भी आ जाएगी, काम खत्म, तीनों आइडेंटिटीज प्रूव कर दिया हमने। अब देखते हैं इस टेबल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, लेकिन इस टेबल में ये जो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल के लिए थीटा की वैल्यू, अगर कुछ स्टैंडर्ड थीटा की वैल्यू 30, 60, 45 है, तो उसके साइन कॉस टैन हमको याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, तो क्या कर सकते हैं, पहले आप क्या करो, ये 0 से लेकर 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल्स है, इनको रेडियन में ऐसे लिखा जाता है। अब रेडियन का मतलब क्या होता है वो मैं इसके बाद बताऊंगा, ये डिग्री है, ये रेडियन है। तो सिंपली आप यहाँ शुरू करो 0, यहाँ 1, 2, 3, 4,
फिर इसके बाद क्या करो, सभी को आप ये देखिए साइन साइन को कैसे लाना है मैं बता रहा हूँ आपको। मैं सबसे पहले साइन को कैसे लाएंगे, तो इसके बाद क्या करो, आप इन सभी को 4 से डिवाइड करो सभी को, और सबका स्क्वायर रूट ले लो। राइट, सबका स्क्वायर रूट लेने पर तो वैल्यू आपकी 0/4 के रूट की 0 आएगी, इसकी आएगी आपकी 1/2, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1/√2, इसकी वैल्यू आएगी आपकी √3/2, यहाँ पे आएगा 1, हो गई साइन की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू क्या करनी है, बस इसको उल्टा लिखना है, मतलब यहाँ पे 0, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखो 1/2, इसको इधर ही लिखो 1/√2, इसको इधर लिखो √3/2, और ये आएगा इधर 1, काम ख़त्म। और अगर आप देखते हो यहाँ पे साइन और कॉस को एक दूसरे को डिवाइड करो, साइन डिवाइडेड बाय कॉस करके देखो, बहुत ही सिंपल है। साइन का मतलब क्या, एक्चुअली साइन थीटा हर वक्त लिखना चाहिए, लेकिन मैं अभी शॉर्टकट यूज़ करूँगा साइन, लेकिन इसका मतलब साइन थीटा ही होगा। तो साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एच एच कैंसिल हो गया, आपका आएगा पी बाय बी, जो कि है टैन थीटा। सो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो टैन थीटा की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको इससे डिवाइड करो 0/1, 0 आएगा, 1/2 अपॉन √3/2, √3 आएगा, दिस बाय दिस 1 आएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस करो 2 कैंसिल, √3 आएगा, और 1/0 इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड आएगा, इसको कभी कभी नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। उसके बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल सी बात है, देखिए दिस इज दी, तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर कोई मैन यहाँ पे खड़ा है, उसे हम ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये मैन अगर ऊपर की तरफ, ये देखिए इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो ये अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इसको ऐसा देखना पड़ेगा ऊपर, और अगर ऑब्जेक्ट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है इधर, तो इस मैन को ऐसा देखना पड़ेगा। अगर ये ऊपर देख रहा है तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसको अगर ऐसा नीचे देखना पड़ रहा है तो हॉरिजॉन्टल से किया हुआ ये जो एंगल है इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। तो ये सिंपल सी बात है, जब आदमी किसी हिल के ऊपर खड़ा होता है ऐसे, यहाँ पर इस यहाँ पर कोई कार है, तो इसको जब देख रहा होता है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ किया हुआ ये एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल कोई आदमी अगर ग्राउंड पे खड़ा है और यहाँ पे कोई एरोप्लेन जा रहा है, तो इसको जो देख रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ किया हुआ ये एंगल है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पहले समझ लो। और इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट यहाँ पे हो गई, ये आपकी लाइन ऑफ साइट, और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन।